इस डील का खुलासा जो है उपेंद्र कुशवाहा ने किया। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ डील जरूर हुई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आना पड़ा, कोई डील नहीं हुई, क्योंकि नीतीश कुमार तो बार बार ये कहते हैं न तो मुझे किसी पद का लालच है, न मुझे किसी चीज की लालच है, और 17 साल से कुर्सी भी नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, कानाफूसी के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज 3 महत्वपूर्ण मसलों के बारे में बात करेंगे, बाबा उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। पहला सवाल है कि नीतीश तेजस्वी के बीच क्या डील हुई, क्योंकि आपको सदन में आपने देखा होगा कि कैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि न हमको सीएम बनना है, न नीतीश जी को पीएम। उसके बाद कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा का आज फाइनल, यानी एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है जो कुशवाहा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा को उतार दिया गया है और एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। तीसरा कि भाजपा का प्लान कैसे हुआ सक्सेस, इन तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, पहला जो सवाल है, नीतीश तेजस्वी के बीच क्या डील हुई, और कल सदन में तेजस्वी ने कह भी दिया ना हमको सीएम बनना है ना पीएम, बीजेपी वाले चाहते हैं कब महागठबंधन में फूटो, ऐसा होने वाला नहीं है, क्या है इसके पीछे, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? सबसे पहले तो हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से परिवार में जी। और आप लोग जानते ही होंगे हिमांशु को, हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं, बीच में कुछ निजी कारणों से और कुछ इनको स्पेशल ट्रेनिंग लेना था, उसके लिए दिल्ली में थे, उसके बाद फिर से हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। चाहेंगे कि आप लोग इन पर आशीर्वाद बनाए रखें। और जहां तक सवाल है बिहार की राजनीति में नीतीश और तेजस्वी के बीच हुई डील का, तो सबसे पहले हिमांशु आपको याद होगा कि इस डील का खुलासा जो है उपेंद्र कुशवाहा ने किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने जब सवाल दागे कि आखिर क्या हुई है डील, आम जनता को तो बताना चाहिए, कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर उत्सुकता है जानने की कि आखिर क्या हो रहा है। कार्यकर्ताओं को जब जानकारी मिल जाएगी तो वो डिसीजन लेने में ज्यादा सक्षम होंगे। इन सारी बातों को लेकर के जैसे ही उन्होंने इस डील की चर्चा की, उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आखिर डील तो कुछ जरूर हुई है, क्योंकि सत्ता के लिए जब कोई समझौता होता है तो उसको डील ही कहते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ डील जरूर हुई थी, और उस डील का भंडाफोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। बाहर निकल करके आना पड़ा नीतीश कुमार को कि कोई डील नहीं हुई है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आना पड़ा, कोई डील नहीं हुई है। लेकिन कल जो सदन की चर्चा आपने किया जी, मैं तो मौजूद ही था, सदन में जो चर्चाएं चल रही थी उन चर्चाओं में तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार तो बार बार ये कहते हैं न तो मुझे किसी पद का लालच है, न मुझे किसी चीज की लालच है, और 17 साल से कुर्सी भी नहीं छोड़ रहे हैं, कभी इधर गुलाटी मारते हैं, कभी उधर गुलाटी मारते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में लालू प्रसाद की विरासत को संभाल रहे तेजस्वी यादव ने भी कल सदन में इन्हीं सब बातों का, हालांकि बहुत सारी बातों का चर्चा उन्होंने किया जिसकी हम खबरों में बता ही चुके हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात था कि न तो मुझे सीएम बनना है और न नीतीश जी को पीएम बनना है, मतलब हम लोगों को बनना है। बिल्कुल, मैंने बगल में बैठे हुए थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का चेहरा देखने लायक था। आप सीएम बनिया कि नहीं बनिया वो अलग बात है, लेकिन आप नीतीश कुमार पीएम नहीं बनेंगे ये बात कैसे कह सकते हैं? तो या तो डील हुई है या फिर आप उस डील को आप भी कैंसिल मान रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो कैंसिल मान लिया कि कोई डील ही नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से अब बारी थी तेजस्वी यादव की, और तेजस्वी यादव ने भी चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि भाई ना आपको पीएम बनने देंगे जब तक कि आप हमको सीएम नहीं बनाइएगा। ये बातें अब साफ नजर आ रही थी, और नीतीश कुमार इसको लेकर के निश्चित रूप से प्रेशर में आएंगे कि तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया। तेजस्वी यादव इससे पहले भी बोल चुके हैं। नीतीश बाबा और ऑब्जर्व कर रहे हैं, शुरुआती दौर में जो नीतीश और तेजस्वी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो अब कहीं ना कहीं, शब्द जो बोले जा रहे हैं अलग बात है, लेकिन जो पहले सहजता उन दोनों के रिश्तों में थी, बॉडी लैंग्वेज में थी, वो अब नहीं दिख रहा है शारीरिक जो भाषा है उसमें। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल विधान परिषद में जो कुछ भी हुआ, विधान परिषद में नीतीश कुमार बहुत देर से बैठे हुए थे, कई विभागों के बजट पर चर्चा हो रही थी। इस बीच में नीतीश कुमार जैसे उठकर जाते हैं तेजस्वी यादव का इंटर करते हैं, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बैठे जरूर थे, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव सिर्फ अपना पैर हिला रहे थे, ऐसे दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं हो रहा था, ये सब बातें निश्चित रूप से आपने जो कहा उस मैटर करती हैं। और खास करके विधानसभा में जिस तरह से बगल में बैठे हुए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने ये कह दिया, ये बताता है कि डील तो हुई थी लेकिन डील दोनों तरफ से कैंसिल हो गई है, और अब
किसी तरह से नहीं कहा जाता है कि जब आदमी अंतिम सांस लेता है तो कोरामिन का इंजेक्शन दिया जाता है, शायद उस कोरामिन के इंजेक्शन पर ही सरकार चल रही है। चलिए दूसरा सवाल है कि कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा, और ये इस वक्त बिहार की राजनीति में कह सकते सबसे बड़ी घटना है जो आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की दशा दशा बदल सकता है। बाबा ये कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा वाला जो मसला है, क्या चल रहा है? उपेंद्र कुशवाहा लगातार कुशवाहा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, पूरा कुशवाहा नेताओं को तोड़ दिया, अब उमेश कुशवाहा को मैदान में उतार दिया गया है और वो हमला कर रहे हैं कि ये तो अवसरवादी हैं, ये हैं, तो क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी पूरी? देखिए, जातीय राजनीति का एक जो है ना बिहार गढ़ बन गया है, और बिहार ने एक ऐसा संदेश दिया है कि देश में भी आप देखिएगा कि अलग अलग राज्यों में जातीय जो आंकड़े हैं उसके आधार पर पार्टियां बनती हैं और वो चुनाव लड़ती हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हालांकि इसका कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, लेकिन वोट की और वोट बैंक की राजनीति को लेकर के जातियों का प्रभाव बढ़ा है। जातीय जनगणना की भी बात आप समझ लीजिए, केंद्र सरकार ने इसको निरस्त कर दिया तो बिहार सरकार ने अडॉप्ट कर लिया कि नहीं भाई हम तो कराएंगे जातीय जनगणना, उसकी प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लौकुश समीकरण की बात की जा रही थी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार पिछले 17-18 वर्षों से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं, हालांकि उनको वोट और भी जगह से मिलते हैं लेकिन नेता वो लौकुश समीकरण के ही हैं। इसमें कुशवाहा समाज का अच्छा खासा उनको समर्थन मिलता है। इन सारी बातों को लेकर के हिमांशु, आपको याद होगा कि 2020 का चुनाव जब चल रहा था तो आपसे मैंने कई बातें कही थी, आप लोग लगातार भ्रमण भी कर रहे थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ हो रही थी आप लोगों ने तो देखा था, और उसके बाद हम और संपादक नमन मिश्रा जी बैठ करके जब विश्लेषण किए थे तो हमारी जो विश्लेषण की मतलब पास था वो बिल्कुल अलग था, सभी से अलग था। हमने कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार 2 साल से ज़्यादा इस गठबंधन का हिस्सा यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। ये दोनों बातें हमने क्लियर कर दी थी, दोनों बातें नजर आई। लेकिन वर्तमान में जो कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा हुआ है इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। कैसे साजिश? उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में देखे जाने लगे थे, क्योंकि लॉ का लंबा समय चला, तीनों भाइयों में से आप समझिए ना, 15 साल नीतीश कुमार, 17 साल किया, उससे पहले लालू प्रसाद ने 15 साल किया, अब किसका नंबर था? निश्चित रूप से कुशवाहा समाज का नंबर था। शामिल हुए थे तो उनको देखा जाएगा अधिकारी के तौर पर। बिल्कुल, क्योंकि ओबीसी में ये तीन बड़ी जातियां हैं और इनका तीनों जो एक साथ राजनीति की शुरुआत किए थे तो कहीं ना कहीं अब कुशवाहा समाज को भी लगने लगा था कि मेरा नंबर आ रहा है, और उमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो भी चल रहा है ये तो प्लांटेड है। लेकिन जिस तरह से जिस मकसद से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी टीम का हिस्सा बनाया था वो साफ कर दिया था, उस समय भी साफ था, नीतीश कुमार ने कई बार ये बात कहा था कि लौकुश समीकरण को मजबूत करना और मेरे बाद इन्हीं लोगों को तो देखना है। ये बातें अब तक कितने लोगों से वो कह चुके हैं, लेकिन अंत में एसपी को कहते हैं, एसपी सिंह, बिल्कुल। लेकिन अंत में क्या हुआ कि पहले आपने लॉ से हटा दिया, उसके बाद आपने कुछ से हटा दिया, और इसको हटाने के बाद लौकुश समीकरण को आपने 2 खंडों में बांट दिया। ये कब हुआ? जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब मैं ये भी कह रहा हूं कि ललन सिंह के कहने और चाहने पर हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आपका फर्ज बनता है इन चीजों को देखें समझें आप, और अगर कुछ पार्टी के भीतर होता है तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी आपकी बनती है। अब आपके घर में आपके गार्जियन हैं जिन पर घर का पूरा दारोमदार है, उनके रहते हुए में अगर परिवार में किसी तरह का कोई विद्रोह हो तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी उनकी बनती है, या तो उस विद्रोह को शांत कर दें या समझा बुझा करके अलग अलग खेमे में दोनों को रख दें। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ कुशवाहा समाज को कहीं ना कहीं, अब उपेंद्र कुशवाहा का डैमेज हो तो कुशवाहा समाज का होगा, उमेश कुशवाहा का डैमेज हो तो कुशवाहा समाज का होगा, बाकी लाइन लगी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो जगह खाली हुआ है, वैकेंट हुआ है जो एमएलसी का सीट, उस पर जहां तक हमें जानकारी मिली है और कई लोगों ने आकर के हमारे मंच पे बोला भी है कि 75 से ज्यादा आवेदन है उसमें, 75 से ज्यादा आवेदन है कि हमको बनाइए, हमको बनाइए, हमको बनाइए, हम कुशवाहा समाज के नेता, हम कुशवाहा समाज के नेता, जो कल तक नजर नहीं आ रहा था वो भी दरवाजा पर खड़ा होकर आवेदन दे रहा है कि हमको एमएलसी बनाइए, हम कुशवाहा समाज को एक साथ कर लेंगे। लेकिन इन सबके बाद यदि एक को बना दिया जाता है तो 74 क्या करेंगे? निश्चित रूप से विद्रोह करेंगे। एक ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात,
कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा समाप्त हुई कल, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है। वो ट्विस्ट आज कैसा ट्विस्ट? 1 बजे देखने को मिलेगा। 1 बजे उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है और इस दोनों चरण की जो यात्रा उनकी है उस यात्रा के अनुभव के साथ साथ कहा जा रहा है कोई बड़ा धमाका करेंगे। हमने खबरों में भी ये बात रखी है, क्या धमाका करेंगे अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ है कि इसके बाद जो उनका एक्शन होगा वो जदयू में और ज्यादा खलबली मचाएगा, मतलब एक बड़ी टूट कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने खबरों में यह भी दिखाया था, चलाया है कि भारी संख्या में लोग उनकी यात्रा में जदयू छोड़ करके आरएलजेडी में मिले हैं, कुशवाहा समाज के नेता। इसके बाद राजपूतों का एक बड़ा कुनबा उनसे जुड़ा है, उसके बाद अन्य जातियों के भी कुनबा जुड़े हैं, जैसे ओबीसी से हट करके ईबीसी में जो लोग थे या ओबीसी में जो अपने आप को समझ रहे थे कि मैंने लौकुस के साथ साथ यादवों के सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्थान नहीं मिलेगा, वैसे लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ रहे हैं। और ये बातें जान करके कि उपेंद्र कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी के साथ टाई अप होने वाला है और ज्यादा लोगों में कुरीशी है, इन सारी बातों को लेकर के आज जब उपेंद्र कुशवाहा पीसी करेंगे, प्रेस के सामने बताएंगे, तो बहुत सारी ऐसी बातें खुलेंगी जिसको लेकर के आगे बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है ये देखना दिलचस्प होगा। अगला है कि भाजपा का प्लान जो है वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, तो भाजपा का क्या प्लान था पहले ये बता दीजिए, और फिर कैसे वो सक्सेस हो रहा है, इसके पीछे क्यों, क्या ऐसा लग रहा है कि भाई वाकई में भाजपा की जो एक रणनीति है उसमें वो स्टेप बाय स्टेप सफल हो रही है। एनडीए छोड़ते समय जब 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और एनडीए छोड़ा, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती थी, हमारी पार्टी के भीतर घुसपैठ करना चाहती थी, हमारे सांसदों विधायकों पर उसकी नज़र थी, और सबसे बड़ी बात कि जो जेपी नड्डा ने ये बात कहा बिहार में आकर के पटना में एक सभा के दौरान कि छोटी छोटी पार्टियाँ या तो समाप्त हो जाएंगी या फिर समाहित हो जाएंगी, वो बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे, ये बातें कोट करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि हम न तो समाप्त होंगे और न समाहित होंगे, इसलिए हम अलग हो रहे हैं कि हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़े नहीं। इस बात का असर बहुत हुआ था, लेकिन अब जो वर्तमान नजर आ रहा है क्या उसमें नजर नहीं आ रहा है कि या तो पार्टियां टूट रही हैं या समाहित हो रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से बाहर हुए, आरसीपी सिंह जदयू से बाहर हुए, इसके अलावे हजारों की संख्या में जो लोग बिल्कुल हजारों की संख्या में जो लोग कर रहे हैं, मीना सिंह ने छोड़ा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक क्रोनोलॉजी की तरफ दिखा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो बात 2024 से पहले तक लगभग नजर आ रही है, उसी लाइन पर चल रहा है बिहार का राजनीति। और इसके साथ साथ जहां जहां अमित शाह का एंट्री हो रहा है, अब तक 4 बार 5 बार आ चुके हैं बिहार, और सबसे ज्यादा बिहार को फोकस करना 2024 के चुनाव से पहले इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि जो प्लान बनाया गया था, प्लान ऑफ एक्शन था, वो शुरू हो चुका है। एक तरफ आप देखिए चिराग पासवान को स्पेशल सुरक्षा दी गई, मुकेश सहनी को दी गई, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को भी दी गई, जिनको मिला हुआ था उनको भी दी गई। वाई प्लस सिक्योरिटी का उनका देना और इनका ले लेना, ये बताता है कि वाकई में बीजेपी के साथ ही जाने वाले हैं? नहीं, ये कहना थोड़ा सा मतलब ये होगा कि वाई प्लस के सिक्योरिटी या जेड प्लस की सिक्योरिटी तो बहुत लोगों को मिली हुई है, पप्पू यादव को भी मिली हुई है, अशोक चौधरी को मिली हुई है, तो ऐसे मतलब ये नहीं कि लोग जा रहे हैं, लेकिन इनका कॉर्नर जो है वो सॉफ्ट है बीजेपी के तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी के रडार पर ऐसे कई नेता हैं जो इंटरनल सोर्सेज बताते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो जदयू में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, आरजेडी में भी हैं, जिन पर पैनी निगाह अमित शाह यानी गृह विभाग का पड़ा हुआ है। और जब 2 अप्रैल को एक बार फिर से बिहार दौरा करेंगे अमित शाह, तो निश्चित रूप से वो उनके प्लान ऑफ एक्शन का ही पार्ट होगा, क्योंकि इस बार जो वो आ रहे हैं तो इसमें कुशवाहा समाज को और खास करके सम्राट अशोक को अपना पूर्वज मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा, और बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जिस तरह से फूंक-फूंक कर कदम रख रही है भारतीय जनता पार्टी 2024 में, खास करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उसमें बिहार के 40 सीट, बंगाल के सीट, उत्तर प्रदेश के सीट और झारखंड के सीट, ये फोकस्ड है और सबका केंद्र बिंदु बिहार है, क्योंकि बिहार में अगर वो सक्सेस हो जाती है जैसे प्लान बना रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले
2024 के चुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब ये कहते हों कि हमें न तो मुख्यमंत्री बनना है न तो प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर इस राजनीति में आखिर कर क्या रहे हैं, सवाल बड़ा है और ये सवाल 2024 में निश्चित रूप से अपना उत्तर लेकर के आएगा। चलिए, ये हमारा खास कार्यक्रम था खानाफूसी, जहां हमने तीन महत्वपूर्ण सवालों का के जवाबों जवाब तलाशने की कोशिश की। बाबा ने तमाम सवालों के विश्लेषणात्मक जवाब दिए, तो आपको बिहार की राजनीति को लेकर जो तीन बड़े सवाल थे उसका शायद जवाब मिल गया होगा। आप देख रहे थे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।